जो आज फेयरवेल है, तो जितनी सारी फीलिंग्स हमारे अंदर इस वक्त चल रही होती हैं, एक तो मजा भी आ रहा है, लेकिन ये भी लग रहा है इन लौंडों के साथ अब कमा चेंगे। तो एक पोयम में उसको सुना पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो ये पोयम है इसमें मेरी जो मेमोरीज रही है पूरे चार साल में, जो मेरे मन में चला है उसको मैं सुना रहा हूँ। और मेरी बीटेक की आखिरी पोयम है आप लोगों के साथ, तो बड़ा यार थोड़ा ध्यान लगा के सुनिए। लेकर आया हूँ पैगाम आखिरी, लेकर आया हूँ पैगाम आखिरी, क्या बात है, जाने फिर कभी ये बात होगी, घड़ी दो घड़ी का साथ और है दोस्तों, जाने फिर कब मुलाकात होगी। निकल पड़े थे सफर पर हम सब, निकल पड़े थे सफर पर हम सब, वो भी क्या दिलकश शुरुआत थी, कुछ हिचके थे कुछ सहमे थे, कुछ हिचके थे कुछ सहमे थे, सपनों की दुनिया भी साथ थी, एक होड़ मची हर दिल में थी, जीते हर मोड़ पर कुछ भी ना हारे, एक होड़ मची हर दिल में थी, जीते हर मोड़ पर कुछ भी ना हारे, अरे हम तो हार कर भी खुश हैं, हारे जिनसे अपने थे सारे, कि खत्म हो रहा ये सिलसिला, कि खत्म हो रहा ये सिलसिला, या आगे फिर एक शुरुआत होगी, घड़ी तो घड़ी का साथ और है दोस्तों, जाने भी कब मुलाकात होगी। यार मैं आगे की जो लाइनें सुना रहा हूँ उससे पहले मैं मेरी कुछ फीलिंग्स से मैं बता रहा हूँ कि जिंदगी में जो मेरा एक्सपीरियंस है यार, कि जिंदगी में हर किसी का एक अपना स्थान है, ये मैं मानता हूँ, जैसे माँ बाप का अपना होता है, शिक्षक का अपना होता है, लेकिन दोस्तों का भी एक अपना स्थान है। माँ बाप बेशक इस आसमान के चांद और सूरज हो सकते हैं, लेकिन ये जो दोस्त होते हैं ना, ये सितारे होते हैं, उनके बिना आसमान नहीं, इनके बिना माँ कोई वर्ष आसमान नहीं सुना होता है। तो आगे मैं अपने दोस्तों को सितारे कहकर संबोधित करूंगा इसमें आगे पोयम में, कि यादों का सैलाब लिए नम आंखों में कुछ ख्वाब लिए, यादों का सैलाब लिए नम आंखों में कुछ ख्वाब लिए, हर कोई अब जो जा रहा ये बात क्यों सता रहा, कि वक्त बहुत था, कि वक्त बहुत था पर गलती हमारी थी, वक्त बहुत था पर गलती हमारी थी, ये यादों की दास्ता जो इतनी प्यारी थी, किस समय रहते अगर कुछ बात से मुंह मोड़ लेते, लड़कियों ध्यान से सुनो तुम्हारे लिए है, किस समय रहते अगर कुछ बात से मुंह मोड़ लेते, तो साथ अपने कुछ और सितारे जोड़ लेते, सब सितारे चमकेंगे जिस दिन, सब सितारे चमकेंगे जिस दिन, जाने कब वो रात होगी, जाने फिर कब मुलाकात होगी। एक बेचैनी सी जो छाई है, एक बेचैनी सी जो छाई है, जुदा होने की घड़ी अब आई है, पानी समझ पहुंच लेता हूं मैं ये आंखों में जो भराई है, ये लोग जो कल तक अनजाने थे, ये लोग जो कल तक अनजाने थे, इनकी क्या कीमत लगाने थे, पर अब जो ये साथ छूट रहा ये मन भी थोड़ा टूट रहा, पर अब जो ये साथ छूट रहा ये मन भी थोड़ा टूट रहा, ये चार साल लगते थे भारी, ये चार साल लगते थे भारी, मानो जैसे मैं सह गया, पर अब क्यों मन में टीस जगे, मानो कुछ पीछे रह गया, फिर अब जब भी मेरी मन से इन बेगानों की बात होगी, फिर अब जब भी मन से मेरी इन बेगानों की बात होगी, यादों की बाहों में डूब मुस्कुराहट चेहरे पर साथ होगी। अब आप कुछ कहने मेरे प्यारे जूनियर्स के लिए डेडिकेट करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले बड़े सुंदर लग रहे हैं यार लड़के और लड़के, बड़े प्यारे हैं जूनियर्स, आप लोग ध्यान से सुनना, आपके लिए ही है, बैठे गए, दुआ बस इतनी है मेरी, दुआ बस इतनी है मेरी, चेहरे पर आपके मुस्कान रहे, दुआ बस इतनी सी है मेरी, चेहरे पर आपके मुस्कान रहे, मंजिल चूमे कदम आपके, आपका कुछ ऐसा भी मान रहे,
अब अलविदा। अब मेरे क्लासमेट से फिर से नंबर आ गया उनका, बस आखिरी पैराग्राफ ही सुनना फ्यूचर के लिए, कि आगे की मंजिल पाने को, आगे की मंजिल पाने को लगा हर कोई कश्ती तैयार करने में, आगे की मंजिल पाने को लगा हर कोई कश्ती तैयार करने में, बढ़ चले हैं सब उस ओर वहां सपनों का दरिया पार करने, कि मिल जाए हर कश्ती को किनारा फिर कश्तियां सब साथ होंगी, मिल जाए हर कश्ती को किनारा फिर कश्तियां सब साथ होंगी, घड़ी तो घड़ी का साथ नहीं है दोस्तों, आगे भी मुलाकात होगी। अंत में मैं ईश्वर से, भगवान से, सभी लोगों की लंबे सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। और बशीर बद्र एक शायर हैं, उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, बहुत नामी शायर हैं, उनकी कुछ शायरी की कुछ लाइनें मुझे बड़ी पसंद है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोगों में नई बात होगी, चरागों को आंखों में महफूज रखना, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूं।